हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारी फ़ोन की स्टोरेज है तो फ़ोन स्टोरेज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन स्टोरेज को कैसे बढ़ा पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना, और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी जो फ़ोन की स्टोरेज है इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं फ़ोन स्टोरेज को, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जाना होगा स्टोरेज एंड स्पेस सेटिंग पे। तो स्टोरेज एंड स्पेस सेटिंग से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर आपको इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से जाना है मैनेज स्टोरेज पे। मैनेज स्टोरेज पे जाकर ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, रिव्यू रिसेंट ऑप्शन। जब यहाँ से आप जाते हैं तो यहाँ से आप फ़ोन स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। किसी भी ऐप से वीडियोस को डिलीट करके यहाँ से फ़ोन स्टोरेज को आप खाली कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आप फ़ोन स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज को। नहीं तो फिर आपको यहाँ से फ़ोटो गैलरी पर जाना है। फ़ोटो गैलरी पर जाकर भी स्टोरेज को आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको फाइल ऑप्शन पर जाना है। तो फाइल ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको जाना है, सेलेक्ट फाइल करना है। कोई भी दो फाइल सेलेक्ट कर इसको हम डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करते ही फ़ोन की स्टोरेज हमारे फ़ोन में खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोन स्टोरेज को आप डिलीट कर सकते हैं और फ़ोन स्टोरेज को खाली कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता तो आप यहाँ से आई मैनेजर पर जाकर भी स्टोरेज को इनक्रीज कर सकते हैं। आपको सिंपली स्कैन करना है। स्कैन करते ही फिर आपको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ऑप्टिमाइज़ करते ही भी करने के बाद भी आप फ़ोन की स्टोरेज खाली कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज़ कर लेना इस तरीके से। फिर आपको स्पेस पे जाना और यहाँ से स्टोरेज को क्लियर कर देना है। इसलिए कि यहाँ से आप क्लीन अप ऑल करते हैं स्टोरेज को, तो जो हमारी फ़ोन स्टोरेज क्लीन ऑल हो जाएगी, और क्लीन ऑल होती हमारी फ़ोन स्टोरेज भी खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से भी फ़ोन की स्टोरेज को आप क्लीन कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, यानी स्टोरेज जो कि इंक्रीज कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।